Hello everyone, I am Monica. Today I will start exercise 7.2 of class 6 mathematics. Okay, in the previous class I have been already discussed question 1st, 2nd and 3rd, and this is question number 4th. Change into proper fractions. The first one is 3, 2 upon 3. Okay, इसको बहुत अच्छे से देखना. सबसे पहले क्या करना है आपको, एक बात ध्यान रखना, आपका ये क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया है आपसे, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो सेम होगी, यहाँ क्या है, थ्री है, तो थ्री ही रहेगा. ठीक है, अब जो भी काम करना है वो हमें न्यूमिनेटर के लिए करना है. ठीक, अब देखो, थ्री इंटू थ्री प्लस टू, ठीक, थ्री थ्री जा नाइन प्लस टू कितना हो गया, इलेवन अपॉन थ्री, यही क्या है आपका आंसर. ठीक है, समझ में आया, ठीक, समझ में आ गया ये क्या लिखा हुआ है. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सेकंड, जैसे मैं लू, चलो क्वेश्चन नंबर नाइन लेते हैं. एट वन अपॉन टेन, ये लिखा हुआ है. ठीक है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम रहेगा, एंड देन एट इंटू टेन प्लस वन, ठीक है, कितना आएगा, एट्टी प्लस वन, एट्टी वन अपॉन टेन, ये हो गया आपका आंसर. समझ में आ गया, ऐसे आप कर लोगे. ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और देखो, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन थर्ड में, थ्री थ्री अपॉन फोर, ये लिखा हुआ है. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा आपका, न्यूमिनेटर में थ्री इंटू फोर प्लस थ्री, ठीक है, थ्री इंटू फोर प्लस थ्री, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू है उसको ऐड करना है, और जो यहाँ वैल्यू है उसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस थ्री कितना हो गया, फिफ्टीन अपॉन फोर, ये हो गया आपका आंसर. समझ में आ गया, ऐसे आप कर लोगे. एंड देन क्वेश्चन नंबर फाइव, अब देखो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है, चेंज इनटू मिक्स नंबर्स और होल नंबर्स. ठीक है, किसमें चेंज करना है आपको, मिक्स नंबर और होल नंबर में आपको चेंज करना है. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन फोर्थ में मिक्स्ड में दिया था और प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना था, इसमें आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है और मिक्स नंबर में चेंज करना है. अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, नाइन अपॉन फोर, ये लिखा हुआ है. ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, नाइन में आपको फोर का डिवाइड करना है. ठीक है, फोर टू जा एट आया, रिमेनिंग कितना आया, वन. ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो आपका कोसेंट आया है वो यहाँ आएगा. ठीक है, एंड देन रिमेनिंग है वो वन अपॉन फोर एज इट इज. समझ में आया, यही है आपका आंसर. समझ में आया, सपोज मैंने आपका लिया फोर्थ क्वेश्चन, फाइव अपॉन फोर. ठीक है, क्या करोगे आप, फाइव में फोर का डिवाइड करोगे, फोर वन जा फोर, रिमेनिंग वन, क्वेश्चन कहाँ आएगा, मिडिल में, एंड देन वन अपॉन फोर, ये आ गया आपका आंसर. ठीक है, समझ में आया, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर. ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है सेवेंथ में टेन अपॉन थ्री, टेन अपॉन थ्री, डिवाइड करो टेन में थ्री का, थ्री थ्री जा नाइन, रिमेनिंग वन, क्वेश्चन कहाँ आएगा, मिडिल में वन अपॉन थ्री, रिमेनिंग न्यूमिनेटर में, और ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर. ठीक है, जिससे आपने डिवाइड किया. समझ में आ गया, यही क्या है आपका आंसर. ठीक, कर लोगे, बन जाएगा, दिस इज क्वेश्चन फिफ्थ. एंड देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन सिक्स आपको ये गिवन है. ठीक है, वन थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, सेवन अपॉन फोर. ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो वही आएगा. देखो डिनोमिनेटर सेम है, फोर वन जा फोर प्लस थ्री, सेवन अपॉन फोर, मतलब सेम है दोनों का. ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है. ठीक, अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी,
यानी कि 1 + 3/4, यानी कि किसी चीज की बात हो रही है जिसके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है। सपोज इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक ठीक, किसी चीज की बात हो रही है जिसमें आपके कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो, सपोज मैंने ये लिया, ठीक, अब देखो 3/4 बोल रहा है, ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 3/4 मतलब कि 3 पार्ट ही आपको इसमें से और कवर करना है, एक तो पूरा कंप्लीट है, ठीक, और एक कैसा हो सकता है, ऐसा, ठीक है। ये क्या है, ये 3/4 है, यानी कि 1 पार्ट कम है ना इसमें, ठीक है, 1 कम है, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। या आप डायग्राम बना सकते हो, जरूरी नहीं है यही डायग्राम हो, कोई और भी हो सकता है, ठीक है, कोई और कुछ और भी बना सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम टू सेम है आपका, क्या लिखा हुआ है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 7 अब आप कर लोगे, ठीक है। अब 3 लिखा हुआ है तो मतलब आप 3 राउंड बना दो, ठीक, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आप ये हो गया इसका आंसर, एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया किसका आंसर, 1/3/4 का। अगर मुझे 7/4 को भी रिप्रेजेंट करना है डायग्राम बेसिस पे, तो मैं क्या करूंगी, देखो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, समझ गए। और हर एक पार्ट को आपको दिखाना है, तो कैसे दिखा सकते हो आप, ऐसे, ठीक, ये सर्किल का पार्ट जैसे ऐसे मैंने बना दिया, ठीक, ये अलग अलग बनाना है आपको, ठीक, ये तो हो गए 4 पार्ट्स, और 3 पार्ट्स यहां से आ जाएंगे, ठीक है, तो ये आप कर लोगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, 7/4 का, और ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, 1/3/4 का, ठीक है, समझ गए। अब देखो, ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट, ओके, अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा है ना, तो मतलब इसमें क्या करना है, न्यूमिनेटर में आपको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, 2 × 1 = 2, और यहां क्या है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 × 2 = 4, ये आ गया आपका आंसर। मतलब क्या है, मतलब ये है 1/2 = 2/4 है, ठीक है, ये क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्वल है ना, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, समझ गए। मतलब अगर आप 1/2 लिखोगे या 2/4 लिखोगे, मतलब एक ही है, ठीक है। अब सपोज मैंने ले लिया आपका क्वेश्चन 4, 2/3 × 3, यहां भी मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ठीक है, यानी 2/3 = क्या है, 6/9 है, ठीक है, समझ में आ गया। ये है आपका क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आप कर लोगे, सेम एज इट इज है। अब सेम एज इट इज, जैसे देखो मैंने 8th क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है, 8th में क्या है आपका, 2/5 × 3 एंड देन मल्टीप्लाइड विद 3, ठीक है, 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, मतलब 2/5 और 6/15 जो है वो क्या है, वो इक्विवेलेंट है, समझ में आ गया, ठीक है। सो आप ये कर लोगे, ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। और देखो, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन each of the first one is 2/3, this is question number 11. अब देखो इसमें क्या करना है आपको, this is question 11, fourth, okay, fourth थोड़ा सा tough हो सकता है, इस वजह से मैं बता रही हूँ आपको। अब देखो, equivalent fraction निकालना है, कुछ नहीं है, 2 से start हो जाओ, यानि multiplied by 2, 3, multiplied by 3, numerator and denominator दोनों में, ठीक है, 5/9 multiplied by 4, ठीक है, 5/9 multiplied by 5, ठीक,
अब देखो कितना हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, कितना आपको फाइंड आउट करना है, 5, ठीक है। यानी 6 और लेना होगा, 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये मतलब एक ही है, ठीक है, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, ठीक। अब यहाँ देखो, 5 2 10, 9 2 18, ठीक, 5 3 15, 9 3 27, 5 4 20, 9 4 36, ठीक है, 5 5 25, 9 5 45, 5 6 30, 9 6 54, ये सारे क्या है, ये इक्विवेलेंट नंबर्स हैं, ठीक है, समझ में आया। 5/9 के इक्विवेलेंट क्या है, ये सारे नंबर्स हैं जो आपको लिखे हुए, यही सारे क्या है आपके आंसर है, ठीक, समझ में आ गया। आपको क्या करना है, 2 से स्टार्ट हो जाओ और कहां तक जाना है आपको, 6 तक, सब में, सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड अब आप कर लोगे, एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.4। अब देखो ये क्वेश्चन है आपको, इसका मतलब क्या है, आपको 3 का डिवाइड 3 में करना है, न्यूमिनेटर में भी करना है, और 3 का डिवाइड डिनोमिनेटर में भी करना है, ये मीनिंग है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में क्या है, 3 है, 3 का 3 में डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 1, और 6 का 3 का 6 में डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 2। नहीं आया समझ में, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है, सिंपल है, ठीक। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 6/8 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 2 का 6 में आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 का टेबल में कितने टाइम्स में 6 आता है, 3 टाइम्स में, 2 3 6, ठीक है, और 2 4 8, राइट, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आया। अब देखो मैंने आपको बताया, अब जैसे 6/16 है क्वेश्चन आपका, 5th 6/16 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 2 3 6, ठीक, 2 8 16, ये है आपका आंसर, ठीक, समझ गए, ठीक है, कर लोगे अब आप ये। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज सेम क्वेश्चन है, 5/10 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 5 1 5, एंड देन 5 2 10, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। जितने टाइम में आता है वो नंबर वही आपका आंसर है, जैसे 2 टाइम्स में आ रहा 5 की टेबल में 10 तो 2 आएगा यहाँ पे, ये कितने टाइम्स में आ रहा 1 टाइम्स में तो कितना आएगा 1, ठीक है, और ना बने तो आप 10 में 5 का डिवाइड करके देखना, 5 2 10, आंसर कितना आया, क्वेश्चन कितना आ रहा है, 2 इज द आंसर, ठीक है, 1/2 इज द आंसर, ठीक है, समझ गए, ठीक। अब आप ये कर लोगे, 8 9 10 सेम एज इट इज है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, राइट ईच फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। अब लोएस्ट टर्म में इसको करना है, मैं ये आपको पहले बता चुकी हूँ 7.1 में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, लोएस्ट टर्म में लिखना है, ये मैं आपको 7.1 में बता चुकी हूँ, ठीक है, इसमें क्या है आपका, सबसे पहले आपको क्या करना है, दिस इज क्वेश्चन 16th question, ओके, 11th to 16th सेम प्रोसेस है आपका, ठीक है। अब देखो 15 का एंड 20 का सबसे पहले मैंने क्या लिया, SCF, ठीक है, SCF लेना है सबसे पहले, ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से, 5 3 15, 3 1 3, ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से, ठीक, 2 10 20, एंड देन 2 5 10, एंड देन 5 1 5, यहां से 15 इज इक्वल टू कितना आया, 5 into 3, ठीक है, ये वैल्यू, एंड देन यहां से 20 इज इक्वल टू कितना आया, 2 into 2 into 5। तो एक बात बताओ, इसमें SCF क्या है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 5, ठीक है। कॉमन क्या दिख रहा है, एक सा क्या है, 5 है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 5 से डिवाइड करना है, मतलब 15 डिवाइड बाय 5 अपॉन 20 डिवाइड बाय 5, आंसर आ जाएगा 5 3 15 एंड 5 4 20, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, 6/8। सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 का एंड 8 का क्या लेना है, एचसीएफ। 2 3 6 3 1 3, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ। 2 4 8, 2 2 4, ठीक है, 2 1 2, लास्ट तक करते जब तक 1 नहीं आता, ठीक, समझ गया। अब देखो 6 इज इक्वल टू क्या है, 2 × 3, 8 इज इक्वल टू क्या है आपका, 2 × 2 × 2। अब कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, केवल 2 है कॉमन, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ ऑफ 6 and 8 कितना है आपका, 2, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया, 2, यानी कि आपको 6/8 में किसका डिवाइड करना है, 2 का, ठीक, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। 2 3 6 एंड 2 4 8, ये आ गया आपका आंसर, ठीक, समझ गए ये, ठीक है, ऐसे ही आप कर लोगे, ठीक है। आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या लेना होगा, एचसीएफ, ठीक है। ये किसके टेबल में आता है, ये 3 के, विच मीन्स दैट इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 9 27, ठीक है, एंड देन 3 3 9 एंड देन 3 1 3, ठीक है। अब देखो 36 लिखा हुआ है, ये किससे डिवाइड होगा, 2 से, क्यों, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, ठीक है। मैंने बताया था 0 2 4 6 8, अगर यूनिट प्लेस पे हो तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 से, ठीक है। 2 1 2, 1 रिमेनिंग, 2 8 16, ये कैंसिल आउट करते बन जाएगा 2 1 2, रिमेनिंग कितना आया, 1 16 8 आ गया, ठीक है। नहीं हो तो आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक, ठीक है, कितना आएगा, 18, एंड देन 2 9 18, देन 3 से, 3 3 9 एंड देन 3 से 3 1 3, तो 27 इज इक्वल टू कितना है, 3 × 3 × 3 एंड देन 36 इज इक्वल टू कितना है, 2 × 2 × 3 × 3, इसमें से कॉमन क्या है, एक सा क्या है, 3 है एंड देन 3, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया, 3 × 3 कितना आया, 9, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 9 से डिवाइड करना है, जो एचसीएफ आया उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 9 3 27, 9 4 36, ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 19, (56/72) ये लिखा हुआ है, तो 56 का आपको ये फाइंड आउट करना है एंड देन 72 का, ठीक है। ये किससे कैंसिल आउट होगा, यूनिट प्लेस पे 6 है, 2 से, 2 2 4, 1 रिमेनिंग, 2 8 16, देन 2 से 2 1 2, 2 4 8, देन 2 से 2 7 14 एंड देन 7 से 7 1 7, 7 किसकी टेबल में आता है, 7 की ही, ठीक है। अब यहाँ भी क्या है, 2 है यूनिट प्लेस पे, 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 3 6 रिमेनिंग, 1, 2 6 12 एंड देन 2 से 2 1 2 रिमेनिंग, 1, 2 8 16, देन 2 से
टू नाइन जा 18, थ्री से थ्री थ्री जा 9, थ्री वन जा 3, ठीक है। अब यहां से देखो एचसीएफ कितना आएगा आपका, फाइंड आउट करोगे तो 2 × 2 × 2, ठीक है। ये आप कर लेना जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4 × 2 = 8, ठीक है। विच मीन्स दैट 56/72 बोथ आर डिवाइडेड बाय 8, 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 72, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ऐसे आप कर लोगे, ठीक, एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.5। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.5। एक्सप्रेस 5/7 एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या बनाना है आपको, इस क्वेश्चन में 14 बनाना है, ठीक है। 5/7 आपको क्वेश्चन गिवन है, डिनोमिनेटर में कितना बनाना है 14, तो इज इक्वल टू डिवाइड बाय 14 मैंने पहले ही लिख दिया। अब एक बात बताओ 7 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 14 आए, आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है मैम 2 का, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 × 2 = 10, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अगर आपको यहाँ समझ में ना आए तो 7 का आप डिवाइड भी कर सकते हो 14 में, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सपोज 84 है थर्ड में, ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड 84 है। अब यहाँ 5/7 लिखा हुआ है और इज इक्वल टू में आपको डिनोमिनेटर में कितना चाहिए 84 चाहिए। तब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा नंबर आएगा, तो कुछ नहीं करना आपको 84 में 7 का डिवाइड कर लो, 7 × 7 = 7, रिमेनिंग 1 × 7 = 2 = 14, ठीक है। ये कैंसिल, कितना आ गया 12, मतलब यहाँ किसका मल्टीप्लाई होगा 12 का, 12 × 7 = 84, 12 × 5 = 60, ये हो गया आपका आंसर, समझ गए। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड आप करोगे एंड देन आई विल स्टार्ट क्वेश्चन सेकंड, ओके। आई विल डिस्कस क्वेश्चन सेकंड इन द नेक्स्ट क्लास, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।